हुकूमत का जो सबसे मेन जो पॉइंट है, और कई लोग इस पे मतलब एतराज़ भी कर रहे हैं कि खान साहब को इस मौके के ऊपर ये जलसे नहीं करने चाहिए। आज भी उन्होंने एक और जलसा मुनक्किद किया, कल भी वो करना चाह रहे हैं। ये ज़्यादा इसकी वजह बेसिकली अपने सियासी मोमेंटम को बरकरार रखना है, या जेन्युइनली आप समझते हैं कि हुकूमत को अगर वो तंकीद का निशाना बना रहे हैं तो यही मौका और यही टाइम है? बिल्कुल सही कर रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, इन प्रिंसिपल तो आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी जमातों को हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो इस वक्त सैलाब जदगान पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मुल्की हालात क्या हैं? क्या जो इस वक्त सेंटर के अंदर हुकूमत है उसकी सारी तवज्जो सिर्फ सैलाब जदगान की तरफ है या सिर्फ इकॉनमी की तरफ है? सेंटर में जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, खान साहब के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हुए हैं, इस वक्त सिंध जो है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, वहां पर सबसे प्रायोरिटी आपको क्या नजर आ रही है? हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, आप मुझे बता दें गुज़िश्ता 10-15 साल की हिस्ट्री में सिंध के अंदर किसी MPA के साथ ऐसा कोई सलूक किया गया हो? जिस तरह वहां पर कभी वो अस्पतालों में होते थे VIP, कभी किसी और जगह पे होते थे, तो क्या इस हुकूमत की और इन जो PDM है उनकी तमाम तर तवज्जो वहां पे है जहां पे होनी चाहिए? नहीं है। दूसरी बात, IMF की आपने बात की, देखिए इसी पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा था जो गवर्नर स्टेट बैंक है ये वॉयसराय है, क्योंकि ये जो स्टेट बैंक के हवाले से कानून तब्दील किया गया है उसको गद्दारी तक कहा गया, आवाम दुश्मनी कहा गया। क्या इन्होंने वो कानून तब्दील किया है? क्यों नहीं तब्दील किया अभी तक? और तारड़ साहब फरमा रहे थे कि खलभूषण का उन्होंने जिक्र किया, जब खलभूषण का मुकदमा आलमी अदालत में गया तो खलभूषण के वकील ने किसका नाम वहां पे लिया, पाकिस्तान के किस लीडर का नाम लिया अपनी गवाही के तौर पे? देखें जनाब, वो भी हमारी गवाही दे रहा है, किस लीडर का नाम लिया था आलमी अदालत में? तो मेरे ख्याल में हर किसी को सोचना चाहिए इस वक्त, जो भी चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अगर वो मुल्क को ज्यादा मफाद मुकदम रखते हैं तो इस वक्त आवाम की तरफ तवज्जो दें और सियासत को खत्म करें। पर अनफॉर्चुनेटली मंसूर भाई, मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा।